हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। एंड मेक श्योर का इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आगे जो आप लोग को वीडियोज मिलेंगी लिटरली काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है, क्योंकि अपना आ रहा है दुबई प्रो शो, जो कि आज से ठीक 2 डेज बाद आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। एंड उसी के चलते गाइस, जो अपने इंडियन प्रो एथलीट हैं जो कि मेंस फिजिक डिवीजन में कॉम्पीट करने वाले, उनके साइड से उनकी मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट आप लोगों के लेके आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले आते हैं अपने गीजो जोन भाई, जो कि कॉम्पीट करने वाले हैं एंड रिसेंट में, वो अपनी मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं हमारे साथ में। एंड आप लोग शॉकिंगली देखोगे कि वो अभी भी वैसे फिजिक को मेंटेन करे रखे हैं जैसे कि हमने उनको भारत प्रो शो के अंदर देखा था, वही सेम रिप्ड एंड हार्डनेस से भरी हुई कंडीशनिंग। एंड आप लोग देखो वो कितनी ज़्यादा ड्राइनेस को शो करते हुए हम लोग को नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा लगता है कि वो भारत प्रो शो के अंदर सिर्फ बस वो फिजिक लेके आए थे एंड यहाँ पे उसकी जो कॉपी है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। डेफिनेटली वही सेम डिट्टो फिजिक एंड बैक साइड से तो वो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एंड मैं कहना चाहूँगा भारत प्रो शो से बैक साइड से वो लिटिल बिट थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए हैं डेफिनेटली, बट अगर साइज़ वाइज वो इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि उन्होंने बोला कि 4 to 5 kg या 6 to 7 kg वो अपना जो मसल मास है वो और एड ऑन करेंगे इस बॉडी फ्रेम पर जो हमने ऑन स्टेज देखा था, तो कमाल ही हो जाएगा भाई। बाकी लेट्स सी। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अनिक घोष भाई की साइड से आ रही है। तो अनिक घोष भाई ने शो से पहले अपने रिएक्शन दिए, क्या बोला खुद ही सुन लीजिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर माई सेकेंड प्रो शो ऑफ द ईयर, विच इज़ दुबई प्रो शो, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। जैसा कि मैं हमेशा रहता हूँ, हर शो के लिए मैं एक्साइटेड ही रहता हूँ। और यहाँ पे लाइनअप भी अच्छा है, अपना पोटेंशियल का फुल पता चलेगा कि कितना मेहनत किया है, कितना गहरा पानी में अभी हूँ और कितना मेहनत आगे करना है। तो इसके लिए ये शो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो भी मुझे फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। तो बाकी का वीडियो मैं आगे का अपडेट आप लोगों को दुबई के जाने के बाद दूंगा। तो आप लोगों ने अपने जो अनिक घोष भाई हैं उनका दुबई प्रो शो से पहले जो माइंड सेट है वो आप लोगों ने जान ही लिया। एंड थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, वो सेकंड नहीं बल्कि थर्ड प्रो शो कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि एक भारत प्रो शो, सेकंड हो गया उनका कजाकिस्तान एंड थर्ड है ये दुबई प्रो शो। तो होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो कोई बात नहीं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है अपने मनोज पाटिल भाई की साइड से। नहीं, ये कॉम्पीट करने नहीं जा रहे, बट इनका जो रिसेंट का अपडेट है, जो कि साइज वाला अपडेट हम लोग को देखने को मिलता है उनके स्टोरी से, वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो उनका साइज़ है, जो कि बीच में वो बिल्कुल ही डाउन साइज चले गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा जो उनका काम था उसके पीछे उन्होंने अपनी जिम भी छोड़ दी थी। जी हाँ गाइस, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ ऐसा उनके साथ रहा था, बट अभी वो हम लोग को दोबारा से अपने जो साइज़ है, जो मसल्स हैं जो उन्होंने खो दी थी, उसको दोबारा से अपने बॉडी फ्रेम पर एड ऑन करते नज़र आएंगे। उनका अच्छा खासा साइज़ हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, हालांकि वो और भी इम्प्रूव्ड होंगे साइज़ वाइज, बट मेरा थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि या तो वो अपना स्टोमक है उनको ज़्यादा टाइट नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। सो ये थोड़ा सा मेरे को लगा, बाकी आप लोग बताना कि मेरे को ये लग रहा है कि बाकी में उनका जो स्टमक है वो बाहर निकल रहा था। बाकी जैसे कि वर्कआउट सेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर वो नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी आई क्या अपडेट्स आती हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अब डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं निक वॉकर के बारे में। तो निक वॉकर इस साल अपना दोबारा से ऑन स्टेज देखने को मिलने वाले मिस्टर ओलंपिया में, एंड 1 ईयर के गैप के बाद, क्योंकि इंजरी हो गई थी तो कॉम्पीट नहीं कर पाए, तो 1 ईयर के गैप के बाद दोबारा से हम लोग को देखने को मिलेंगे वो मिस्टर ओलंपिया के अंदर। एंड जो उनकी मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट है वो आप लोग देख सकते हो। एंड ऑल्सो वो इस फिजिक अपडेट को कैप्शन भी देते हैं ब्रिंग द टेपर, एंड उनकी जो बेस्ट है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड अभी लग रही है एंड प्रॉपर भी ट्रेपर हम लोग को बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जैसे कि आप लोगों ने पिट्सबर्ग प्रो शो के अंदर देखा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको देखने को मिला था कि उनका
गट बाहर निकल रहा है, बट जब वो कॉम्पीट करने आए थे न्यूयॉर्क प्रो शो के अंदर तो सब हैरान ही रह गए थे, क्योंकि उससे ठीक वन वीक बाद ही वो कॉम्पीट करने आए थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि निक वॉकर का जो वेस्ट कंट्रोल है वो काफ़ी अमेजिंग है, एंड जब चाहे वो तब अपनी बेस्ट को काफ़ी नैरो शार्प बनाकर एक प्रॉपर बी टेबल के साथ में आ सकते हैं। साइज़ की तो हम बात ही नहीं करेंगे, इस बार साइज़ काफ़ी हम लोग को इम्प्रूवड देखने को मिला है निक वॉकर में। एंड कंडीशनिंग तो हमेशा से वो रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशनिंग के बारे में काफ़ी कंसिस्टेंट वो रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो थोड़ा सा कंडीशनिंग को मिस कर जाएं। तो लेट्स सी गाइस इस बार हम लोग को कैसा पैकेज देखने को मिलता है एंड क्या नया देखने को मिलता है निक वॉकर की साइड से। बात बाकी सो गाइस हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने अली बिलाल भाई के बारे में। तो अली बिलाल भाई भी रिसेंट में अपना फिजिक अपडेट शेयर करते हैं ऑक्सीजन जिम से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वो दुबई प्रो इवेंट अपना अटेंड करने आए हैं। बाकी आप लोग देखोगे वहीं से वो अपना फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, जिसमें कि अच्छा खासा साइज तो हम लोग को अली बिलाल भाई के पास में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जिन्होंने फुलनेस अपनी एड ऑन करी है इस बॉडी फ्रेम पर, वो काफ़ी कमाल की लग रही है, एंड ऑलमोस्ट उनकी जो फिजिक है वो हम लोग को दिख ही रही है, फुलनेस से भरी हुई चेस्ट, एंड चेस्ट में भी हम लोग को थोड़ा जो उनका साइज है वो देखने को मिल रहा है पहले के मुकाबले। एंड ऑल्सो बेस्ट आप लोग देखोगे तो एकदम गायब सी ही नज़र आ रही है इस टी शर्ट के अंदर, एंड देखते हैं भाई जब ऑन स्टेज वो आएंगे तो उनकी बेस्ट है वो कैसी लगती है, काफ़ी कमाल की लगेगी डेफिनेटली, क्योंकि हर बार वो अपना एक प्रॉपर बीट रेवर बनाते हुए नज़र आते हैं। एंड ये जो फिजिक अपडेट है, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस जो काफ़ी अच्छे फैन फॉलोइंग के साथ हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 वीक्स आउट का मोस्ट रिसेंट अपडेट है, बट मैं बताना चाहूँगा कि उनका रिसेंट का अपडेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैप्शन भी दे दिया तो उसी से पता चल जाता है। तो ऐसे ही भाई कन्फ्यूजन होती है जब कैप्शन नहीं देते एथलीट एंड सोशल मीडिया पेजेस अपना डाल देते हैं मोस्ट रिसेंट, तो आप लोग समझ सकते हो अब। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं लैरी व्हील्स के बारे में। तो आप लोग को ध्यान होगा कि नॉर्मल वर्सेस एआई जनरेटेड फोटो अभी काफ़ी ज़्यादा उसका ट्रेंड चल रहा है, तो वही ट्रेंड फॉलो करते हुए लैरी व्हील्स ने अपनी मोस्ट रिसेंट अपडेट दी, एंड उसके साथ साथ जो उनकी एआई जनरेटेड फोटो है वो भी शेयर करते हैं। तो ये उनकी नॉर्मल अपनी फिजिक अपडेट जो कि वो शेयर करते हैं, साइज़ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, एंड जब उनकी एआई जनरेटेड फ़ोटो निकल के आती है तो आप लोग देख सकते हो वो कितना ज़्यादा ह्यूज, कितना ज़्यादा मसल मास आप लोग को देखने को मिल रहा है, काफ़ी हिलेरियस लग रहा है वो। एंड ऑल्सो वही सेम कंडीशनिंग, खैर मैं भी क्या बात करने लग गया, ये तो एआई जनरेटेड है। बाकी आप लोग इमेजिन कर सकते हो अगर वो ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में आएंगे तो ऐसे कुछ लगने वाले हैं लैरी व्हील्स, एंड लैरी व्हील्स का भाई कुछ पता भी नहीं है, अगर उनका ये अपडेट पसंद आ गया ना एआई जनरेटेड वाला तो ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी स्विच कर जाएंगे, हालांकि टाइम लगेगा पर डेफिनेटली वो कर सकते हैं। बाकी आप लोग को लैरी व्हील्स की कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी लगी, नॉर्मल या एआई जनरेटेड, कमेंट करके बताना। एंड नाउ हम लोग बात करने वाले हैं दुबई प्रो शो, जिसकी ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक स्नैक बैटल होने वाली है। स्नैक बैटल कैसे, आप लोग को पता होगा एम प्रो क्लासिक के अंदर विलियम बोनैक ने बेरोज तवानी को हराया था, देन फ्लेक्स वीकेंड प्रो शो के अंदर बेरोज तवानी ने नाथन दियासा को, एंड पुर्तगाल प्रो शो के अंदर नाथन दियासा ने विलियम बोनैक को। अब ये तीनों ही कॉम्पीट करते नजर आ रहे हैं दोबारा से दुबई प्रो शो इवेंट के अंदर, एंड क्या लगता है आप लोग को कौन किसको हराएगा। उसके ही चलते गाइस जो रिसेंट में इन तीनों एथलीट एंड उनके साथ में जो रूवियल मॉस्की रहे, जो कि नेक जिला के नाम से भी जानते हो, इन चारों के जो उनके प्रीवियस शो रहे हैं उनकी ऑन स्टेज फिजिक आप लोग देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा नेक जिला बहुत टाइम बाद कॉम्पीट कर रहे हैं, एंड प्रीवियस ईयर के ही अपडेट है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा साइड ही रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रूव्ड भी हुए हैं। बाकी इन तीनों के साथ में रूवियल मॉस्की को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे साइड चेस्ट पोज के अंदर आप लोग को बेरोज तवानी दोनों को ही, यानी कि नाथन दियासा एंड विलियम बोनैक को खाते हुए नजर आएंगे, काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। एंड बैकलाइट स्प्रेड में आप लोग देखोगे विलियम बोनैक काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं कंपेरेटिवली बेरोज तवानी एंड नाथन दियासा। बल्कि अगर बेरोज तवानी अपने ग्लूट्स को थोड़ा सा और श्रेडेड बना के आ जाए तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, एंड बैकलाइट स्प्रेड पोज को भी वो जीत सकते हैं। मोस्ट मस्कुलर के अंदर जजेस मोस्ट प्रोबेबली साइज को प्रायोरिटी देंगे, जिसमें कि रिवेल मॉस्किरा एंड लोअर बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव हुए हैं।
मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट मस्कुलर पोज के अंदर जजेस रिवील मस्कुलर की साइड भी जा सकते हैं। वेल, आप लोग क्या लगता है, आप लोग क्या थॉट्स एंड ओपिनियन से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या लगता है आप लोग को ये दो ही पुरुषों की बैटल कौन जीतने वाला है, कमेंट करके बताना। बात बाकी सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो ऑल पर जरूर से प्रेस कर लेना। एंड मैं मिलता हूं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।